खबर धमतरी से है, जहां कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि निशित पटेल नामक ने दर्ज रिपोर्ट कराई थी कि 14 अप्रैल 2023 को सिल्वे लाइन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सत्यानंद पाणिग्रही, सह डायरेक्टर और मैनेजर शुभम शर्मा के द्वारा धमतरी में ई व्हीकल का डिस्ट्रीब्यूशन शिप देने का प्रलोभन देकर 36,01,000 रुपये का धोखाधड़ी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इस बीच पुलिस को दो आरोपियों के जिला जेल छपरा बिहार में बंद होने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस द्वारा सत्यानंद पाणिग्रही और शुभम शर्मा को 28 अक्टूबर को जिला न्यायालय में प्रोडक्शन वारंट के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं धोखाधड़ी के मामले में एक अन्य आरोपी रजनीकांत लंका फरार है, जिसकी पता तलाशी की जा रही है। दिनांक 14/4/2023 को प्रार्थी नितेश पटेल को सिल्वे लाइन पावर स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड ई व्हीकल निर्माता कंपनी सोनीपत के डायरेक्टर सत्यानंद पाणिग्रही, मैनेजर शुभम शर्मा तथा सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम से प्रलोभन देकर ई व्हीकल के नाम से लगभग 36,01,000 रुपये का धोखाधड़ी किया था, जो प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 420/406 IPC के तहत FIR दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपी सत्यानंद पाणिग्रही और शुभम शर्मा छपरा विहार के जेल में ये किसी धोखाधड़ी के मामले में बंद है, जो माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर उक्त आरोपी को आज लाया गया। माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के पश्चात इनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है।